नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी अकेडमी से। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को निकालने की दो विधियां हैं दोस्तों। पहला है चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर, दूसरा मेथड है दोस्तों स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ राष्ट्रीय आय का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को निकालने की दो विधियां है दोस्तों, इसके एस्टिमेशन के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला है आपका चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य, चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर, चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर। राष्ट्रीय आय का आकलन दो तरीके से किया जाता है दोस्तों। पहला तरीका है चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर। दूसरा तरीका है स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य, स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर, आधार वर्ष मूल्य के आधार पर। समझते हैं दोस्तों ये है क्या, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए वर्तमान में चल रहा है वर्ष 2020-21, अर्थात हमें राष्ट्रीय आय की गणना करना है दोस्तों वर्ष 2020-21 के लिए। यदि आपको वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करना है, अर्थात इसके जस्ट एक वर्ष पहले, अर्थात एक वित्तीय वर्ष का आपको देखना पड़ेगा दोस्तों चालू मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य। अगर आपको वर्ष 2020-21 का, यदि आपको वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय आय का गणना करना है, समझिएगा दोस्तों, यदि आपको राष्ट्रीय आय निकालना है वर्ष 2020-21 का, अर्थात इसके जस्ट पहले जो वर्ष होगा वो इसका एक वित्तीय वर्ष कहलाएगा दोस्तों। तो इस 2020-21 के लिए जो एक वित्तीय वर्ष होगा दोस्तों, चालू वर्ष होगा दोस्तों यह होगा वर्ष 2019-20। अर्थात यहां पर वर्ष 2020-21 के लिए यदि आपको राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो आपको रेफरेंस रखना पड़ेगा वर्ष 2019-20। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में बाजार मूल्य या चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब एक वित्तीय वर्ष में चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य या बाजार मूल्य, ऐसे कह सकते हैं दोस्तों बाजार मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना। यदि हम चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें राष्ट्रीय आय की गणना करना है वर्ष 2020-21 के लिए, अर्थात इसके लिए जो एक वर्ष का स्पैन होगा दोस्तों, एक वर्ष का स्लॉट होगा, वो होगा वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2020-21 तक, अर्थात यह कहलाएगा दोस्तों एक वित्तीय वर्ष। तो हमें रेफरेंस रखना पड़ेगा वर्ष 2019-20 को। तो वर्ष 2019-20 अर्थात बाजार मूल्य के आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, या वर्तमान मूल्य के आधार पर या चालू मूल्य के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन करना। समझिएगा दोस्तों,
जबकि अगर हम जाते हैं यहां पर स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, इसको समझते दोस्तों। मान लीजिए हमें राष्ट्रीय आय की गणना करना है दोस्तों वर्ष 2020-21 के लिए। यदि हमें वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करना है तो इसके लिए आपको रेफरेंस लेना होगा दोस्तों आधार वर्ष का, और वर्तमान में भारत का आधार वर्ष है दोस्तों वर्ष 2011-12। तो वर्ष 2011-12 ये कहलाता है दोस्तों भारत में आधार वर्ष। तो आधार वर्ष को रिफरेंस मानकर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, यदि राष्ट्रीय आय का गणना आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है दोस्तों, आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर किया जाता है, तो इस प्रकार के राष्ट्रीय आय को कहते हैं दोस्तों स्थिर मूल्य या आधार मूल्य, इसके आधार पर राष्ट्रीय आय, और यही कहलाता है दोस्तों वास्तविक राष्ट्रीय आय। यदि जब भी राष्ट्रीय आय की गणना आप आधार वर्ष के आधार पर करते हैं दोस्तों तो इसे ही कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय, इसे ही हम कहते हैं दोस्तों वास्तविक राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है दोस्तों वो स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो स्थिर मूल्य अर्थात 2011-12 आधार वर्ष अर्थात 2011-12 के आधार पर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना भारत में राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर की जाती है। समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या सीखा देखिएगा। जैसे अगर हम समझते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य या बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है, इसे हम दोस्तों बाजार मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों चालू मूल्य पर या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय, चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय ये बराबर होता है दोस्तों, चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है दोस्तों चालू वर्ष में कुल उत्पादन मात्रा अर्थात वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन मात्रा, चालू वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन मात्रा, चालू वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन मात्रा प्लस होता है दोस्तों चालू वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अर्थात उसको सेवा को या वस्तु को बेचने पर जो रकम प्राप्त होती है दोस्तों वो भी हम निकालते हैं चालू वर्ष के आधार पर या वर्तमान वर्ष के आधार पर। वर्तमान वर्ष में कुल उत्पादन मात्रा, वर्तमान वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना उससे प्रॉफिट गेन हुआ, तो चालू वर्ष में कुल वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य यह है दोस्तों मात्रा और यह है दोस्तों मूल्य। यहां पर चालू मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं दोस्तों तो वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मात्रा, कुल उत्पादन मात्रा तथा कुल मौद्रिक मूल्य, ये दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों चालू वर्ष के आधार पर। समझिएगा दोस्तों, जबकि हम बात करते हैं दोस्तों यदि स्थिर मूल्य के आधार पर या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों स्थिर मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय यह बराबर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चालू वर्ष में कुल उत्पादन मात्रा,
ये बराबर होता है दोस्तों चालू वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन मात्रा, कुल उत्पादन मात्रा प्लस, लेकिन जो मूल्य का आकलन किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है आधार वर्ष के आधार पर, आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर। तो ये किया जाएगा दोस्तों आधार वर्ष में, आधार वर्ष में कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य अर्थात यहां पर जो उत्पादन हुआ है दोस्तों ये तो हम चालू वर्ष का ही देखेंगे, इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ है, लेकिन जो मूल्य का आकलन किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है आधार वर्ष के आधार पर। यहां पर ये है दोस्तों स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय, जबकि ये है दोस्तों चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय, यदि राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में, यदि राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य के आधार पर अगर गणना किया जाता है तो इसे कहते हैं दोस्तों चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय। अर्थात राष्ट्रीय आय का गणना जो करते हैं दोस्तों वो बाजार मूल्य के आधार पर करते हैं, जबकि स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं दोस्तों तो इसमें हम मूल्य का आकलन आधार वर्ष मूल्य के आधार पर करते हैं। अर्थात 2011-12 में किसी वस्तु का मूल्य क्या था उस आधार पर हम यहां पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है एक्स, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है एक्स, कोई प्रोडक्ट एक्स का वर्ष 2019-20 में कीमत है दोस्तों ₹10। अर्थात यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय आय का गणना में हम इस ₹10 को कंक्लूड करेंगे। इसका वर्तमान मूल्य है दोस्तों ₹10, इसका वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य है दोस्तों ₹10। तो इस ₹10 के आधार पर हम चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। यह है दोस्तों राष्ट्रीय आय का पहला पैमाना। लेकिन मान लीजिए यही सेम वस्तु एक्स वर्ष 2011-12 की स्थिति में इसकी कीमत थी दोस्तों मान लीजिए ₹7। अर्थात यहां पर ₹7 को बेस लेकर हम यहां पर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों यहां प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए समझिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स वर्ष 2011 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों वर्ष 2011-12 में, समझिएगा दोस्तों यहां पर हमने मान लीजिए वस्तु एक्स का आधार वर्ष 2011-12 में कीमत था ₹7, मतलब हमने यहां पर ₹7 के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किया, जबकि यहां पर करंट मूल्य इसी वस्तु का है दोस्तों ₹10। तो ₹10 के आधार पर हमने इसका राष्ट्रीय आय की गणना की। अब समझते हैं दोस्तों यहां पर, मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स, वस्तु एक्स का वर्ष 2011-12 में इसका प्राइस था दोस्तों, वर्ष 2011-12 में इसका प्राइस था ₹7। वस्तु एक्स का मान लीजिए वर्ष 2011-12 में प्राइस था दोस्तों ₹7, इसकी कीमत थी ₹7, इसकी कीमत थी दोस्तों ₹7। लेकिन वर्ष 2011-12 में इसकी, इसका जो प्रोडक्शन हुआ था दोस्तों, उत्पादन मात्रा प्रोडक्शन जो था दोस्तों, ये मान लीजिए था 100 किलो का इसका प्रोडक्शन हुआ था, मान लो दोस्तों पूरे साल भर में, एक एजम्पशन ले रहे हम लोग, या इसको ले लीजिए दोस्तों 100 मीट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ था। मान लीजिए वर्तमान वर्ष 2019-20 में इसकी वर्तमान कीमत है दोस्तों ₹10, वर्तमान कीमत है दोस्तों ₹10, और इसका जो उत्पादन है दोस्तों ये हो रहा है 120 मीट्रिक टन। समझिएगा दोस्तों, तो यहां पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स, मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स, यहां पर कोई वस्तु है या कोई सेवा है, कोई वस्तु या कोई सेवा है दोस्तों एक्स, इसकी 2011-12 में कीमत थी ₹7 और इसका उत्पादन हो रहा था दोस्तों 100 मीट्रिक टन।
जबकि वर्ष 2019-20 में इसकी कीमत है 10 रुपए, जबकि इसकी मात्रा है दोस्तों 120 मीट्रिक टन। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे दोस्तों इस 10 रुपए को, इस कीमत को, और यह है दोस्तों उसकी मात्रा को, अर्थात वर्तमान में उसकी, वर्तमान में बाजार में उसकी कीमत क्या है। तो बाजार में कीमत है दोस्तों 10 रुपए, जबकि इस वर्ष कितना प्रोडक्शन हुआ है तो 120 मीट्रिक टन। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन, अगर यह हम देखते हैं तो समझिएगा दोस्तों, स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए, स्थिर मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए आपको ध्यान देना होता है चालू वर्ष में कुल उत्पादन मात्रा, चालू वर्ष में कुल उत्पादन मात्रा, अर्थात चालू वर्ष में कुल उत्पादन मात्रा है दोस्तों 120 मीट्रिक टन। 120 मीट्रिक टन आधार वर्ष में कुल मौद्रिक मूल्य, आधार वर्ष में कुल मौद्रिक मूल्य, लेकिन मूल्य पे ध्यान देते हैं दोस्तों जो आधार वर्ष में था, अर्थात यहां पर दोस्तों उत्पादन तो आप वर्तमान का देखते हो, उत्पादन तो आप वर्तमान का देखते हो, लेकिन जो कीमत होता है, मौद्रिक मूल्य होता है दोस्तों, ये आप रेफरेंस लेते हो, ये आप रेफरेंस लेते हो दोस्तों किसका, आपका आधार वर्ष का। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब हमने समझा कि जब चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो इसमें वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष या बाजार वर्ष, जो अभी करंट वर्ष है दोस्तों, चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष में कुल उत्पादन की मात्रा लेते हैं, अर्थात यहां पर लेंगे दोस्तों हम लोग 120 मीट्रिक टन, और कीमत लेंगे दोस्तों कुल मौद्रिक आय, मैंने एक वस्तु का लिया है दोस्तों 10 रुपए, हो सकता है कि जब 120 मीट्रिक टन है इसका हो जाएगा मान लो, जैसे मान लीजिए दोस्तों 10 करोड़, इसका मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, इसको ले लीजिए दोस्तों 7 करोड़ रुपए, जैसे मैं यहां एक वस्तु का ले रहा था, अब ये कुल वस्तु का हो गया मान लीजिए। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चालू वर्ष में कुल उत्पादन की मात्रा, जैसे यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स है, इसकी कुल उत्पादन की मात्रा है 120 मीट्रिक टन, और उसका कुल मौद्रिक आय है दोस्तों, कुल मौद्रिक मूल्य है 10 करोड़ रुपए। तो यहां पर जब हम बात करेंगे चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आकलन की, तो इसमें हम कंक्लूड करेंगे 120 मीट्रिक टन उत्पादन मात्रा को और 10 करोड़ रुपए आपके कुल मौद्रिक मूल्य को। लेकिन जब हम बात करेंगे स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय को, तो चालू वर्ष में कुल उत्पादन मात्रा, अर्थात उत्पादन मात्रा तो यही लेंगे, लेकिन दोस्तों मौद्रिक मूल्य लेंगे आप आधार वर्ष का, इसीलिए से कहते हैं स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन। स्थिर मूल्य पर या आधार वर्ष मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है दोस्तों, यह मुद्रा स्फीतिक प्रभाव से मुक्त हो, स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है यह दोस्तों मुद्रा स्फीति के प्रभाव से मुक्त होता है, मुद्रा स्फीति के प्रभाव से मुक्त होता है, के प्रभाव से मुक्त होता है, के प्रभाव से मुक्त होता है, यह दोस्तों मुद्रा स्फीति के प्रभाव से मुक्त होता है, अर्थात किसी राष्ट्र के विकास के आकलन का यह एक सटीक तरीका है, अर्थात किसी राष्ट्र के विकास के आकलन का, विकास के आकलन का यह एक सटीक तरीका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक सटीक तरीका है। स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर जो राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है यह दोस्तों मुद्रा स्फीति के प्रभाव से मुक्त होता है तथा राष्ट्र के विकास के आकलन का यह एक सटीक तरीका है। जबकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन, तो यह दोस्तों मुद्रा स्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है। यह मुद्रा स्फीति अर्थात इन्फ्लेशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, मुद्रा स्फीति के
प्रभाव से मुक्त नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। अर्थात यह राष्ट्रीय आय के आकलन का सरल तरीका तो है दोस्तों, लेकिन सटीक तरीका नहीं है। चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर जो हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं दोस्तों, यह सरल तरीका तो है लेकिन सटीक तरीका नहीं है। अर्थात यह राष्ट्रीय आय के आकलन का सरल तरीका है, सरल तरीका है, यह है दोस्तों सरल तरीका, लेकिन यह सटीक तरीका नहीं है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों लागत एवं मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं लागत एवं मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लागत एवं मूल्य, कॉस्ट एंड प्राइस, लागत एवं मूल्य, कॉस्ट एंड प्राइस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों वस्तु एवं सेवा का लागत व मूल्य, कॉस्ट एंड प्राइस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लागत अर्थात कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत या कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है दोस्तों, यदि किसी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो उसके कारकों में जो भुगतान किया जाता है उसे ही दोस्तों लागत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात लागत का मतलब होता है किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए व्यय को लागत कहते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए व्यय को लागत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए व्यय को लागत कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि लागत बराबर होता है किसी उत्पाद के उत्पादन का व्यय, यही कहलाता है दोस्तों लागत। यदि आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो उस वस्तु के उत्पादन में जो भी खर्चा आता है यही आपका कॉस्ट अर्थात लागत कहलाता है। यदि आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उस वस्तु के उत्पादन में जो भी आपका व्यय आता है खर्चा आता है इसे कही दोस्तों हम कॉस्ट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्पादनकर्ता के द्वारा किसी वस्तु के निर्माण में जितने रुपए लगते हैं, जितना खर्च आता है, यही कहलाता है दोस्तों इसका लागत। तो किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए व्यय को लागत कहते हैं, या इसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं दोस्तों किसी वस्तु या सेवा को उत्पादन करता जितने में बनाता है उसे लागत कहते हैं। अलग शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों किसी वस्तु या सेवा को उत्पादन करता जितने में बनाता है उसे हम लागत कहते हैं। अब समझिएगा दोस्तों कि आपका प्राइस अर्थात मूल्य का मतलब क्या होता है, मूल्य अर्थात प्राइस का मतलब क्या होता है। समझिएगा दोस्तों, यदि लागत में अप्रत्यक्ष कर, वर्तमान में जीएसटी, यदि लागत में अप्रत्यक्ष कर तथा
उत्पादनकर्ता के लाभ को जोड़ दिया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए मैंने किसी वस्तु एक्स को 10 रुपए लागत से बनाया है, जिसमें 2 रुपए मैं अपना प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, और मान लीजिए कि उसमें आपके 5% का टैक्स लगता है, तो इस प्रकार से मैंने उसमें 5% के टैक्स को जोड़ दिया दोस्तों। तो अगर आप उसमें 5% के टैक्स, उत्पादनकर्ता का लाभ तथा लागत को जोड़कर उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो इसे ही दोस्तों हम कहते हैं मूल्य। तो यहां पर दोस्तों मूल्य का मतलब होता है यदि लागत में उत्पादनकर्ता के लाभ तथा अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाए तो उसे उस वस्तु या सेवा का मूल्य कहते हैं, उस वस्तु या सेवा का मूल्य कहते हैं, प्राइस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने किसी वस्तु के निर्माण हेतु 10 रुपए का खर्चा किया है, तो यह 10 रुपए खर्चा कहलाता है दोस्तों लागत। लेकिन अगर उसमें मैंने मान लीजिए उसमें पांच रुपए दोस्तों, या ऐसे समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए 8 रुपए के लागत से मैंने किसी वस्तु को बनाया है और उसमें मैंने 2 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, अर्थात अब तक हो गई यह वस्तु दोस्तों 10 रुपए की। अगर मान लीजिए उसमें 5% का GST अर्थात 50 पैसे जोड़ दिया जाए, तो 10 रुपए 50 पैसे जिस रकम में वो बिकेगी वस्तु, यही कहलाएगी दोस्तों मूल्य। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि मूल्य का मतलब होता है दोस्तों वस्तु का लागत तथा उत्पादनकर्ता का लाभ प्लस अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे कहते हैं मूल्य। अर्थात यदि उपभोक्ता जितने में जिस वस्तु को खरीदता है उसे ही कहते हैं दोस्तों मूल्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों बाजार में उपभोगकर्ता जितने में किसी वस्तु को खरीदता है, जितने में किसी वस्तु को खरीदता है उसे उस वस्तु या सेवा का मूल्य कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये था लागत और ये था दोस्तों मूल्य। अब हम लागत को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। लागत 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधन या कारक लागत और एक होता है दोस्तों बाजार लागत। दोनों को समझते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले लागत को समझिएगा दोस्तों। लागत टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लागत का मतलब होता है उत्पादनकर्ता जितने में किसी वस्तु को बनाता है उसे उस वस्तु का लागत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लागत को समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, लागत का मतलब होता है जितने में किसी वस्तु को कोई उपभोगकर्ता बनाता है उसे उस वस्तु का या सेवा का लागत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लागत बेसिकली 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लागत या कॉस्ट ये होता है दोस्तों 2 प्रकार का। एक हो कहलाता है दोस्तों साधन लागत, एक कहलाता है दोस्तों साधन या कारक लागत, या इसे हम कह सकते हैं दोस्तों फैक्टर कॉस्ट। पहला होता है साधन या लागत कारक, दूसरा होता है दोस्तों बाजार लागत अर्थात मार्केट कॉस्ट। अब दोनों को समझते हैं दोस्तों। साधन लागत का मतलब होता है उत्पाद के उत्पादन में
उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता द्वारा जो भी साधनों में खर्च किया जाता है दोस्तों, साधन या कारकों में जो भी खर्च किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों साधन लागत। किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता द्वारा उत्पादन के साधनों में जो भी खर्चा किया जाता है इसे कहते हैं दोस्तों साधन लागत। अर्थात यहां पर समझने वाली बात यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साधन या कारक लागत इसका मतलब यह होता है उत्पाद के कारकों में जितना भुगतान किया जाता है या जितना खर्च किया जाता है, जितना भुगतान या व्यय किया जाता है इसे साधन या कारक लागत कहते हैं, समझिएगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि यह कारक होता क्या है। किसी उत्पाद का कारक या साधन होता क्या है, समझिएगा दोस्तों। पहला पकड़ सकते हैं दोस्तों कच्चा माल का खर्चा, किसी उत्पाद को बनाने में जो कच्चा माल लगता है उसका खर्चा, जहां पर आप कच्चा माल बना रहे हो वहां का किराया, कैपिटल का खर्चा, आपका दोस्तों मशीन का खर्चा, आपका दोस्तों मजदूरों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन, बिजली का खर्चा। अगर आपने इंडस्ट्री डाला है दोस्तों तो आपने ऋण लिया है, अर्थात ऋण का ब्याज। ये जो खर्चे हैं दोस्तों, कच्चा माल, किराया, मशीन का खर्चा, मजदूरों का वेतन, बिजली, ऋण का ब्याज, ये सब कहलाते हैं दोस्तों कारक या साधन। अर्थात उत्पादनकर्ता द्वारा उत्पाद के कारकों में जो भी खर्चा किया जाता है किसी उत्पाद के निर्माण हेतु, इसे ही कहते हैं दोस्तों साधन या कारक लागत। अर्थात यहां हम कह सकते हैं दोस्तों कि साधन या कारक लागत का मतलब होता है दोस्तों कच्चा माल पर किया गया व्यय प्लस किराया पर किया गया व्यय प्लस मशीन पर किया गया व्यय प्लस मजदूरों का वेतन पर किया गया व्यय प्लस बिजली बिल का भुगतान पर किया गया व्यय प्लस ऋण के ब्याज पर किया गया व्यय, यही कहलाता है दोस्तों साधन या कारक लागत। तो ये हो गया दोस्तों वस्तु के निर्माण का खर्चा। अब देखते हैं दोस्तों बाजार लागत क्या होता है, बाजार लागत को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि दोस्तों यहां पर आप अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं साधन या कारक लागत पर, अगर आप अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं तो यही कहलाता है दोस्तों बाजार लागत। जिस रेट पर वो आता है दोस्तों मार्केट पर। लेकिन यहां पर दोस्तों बाजार लागत का मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री छोड़ते समय वस्तु का मूल्य, अर्थात इसमें हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिए, लेकिन अभी तक मैंने उत्पादनकर्ता के लाभ के बारे में जिक्र नहीं किया। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कि बाजार लागत का मतलब होता है यदि साधन या कारक लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाए तो इसे बाजार लागत
कहते हैं। तो इसे हम दोस्तों बाजार लागत कहते हैं। अर्थात यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यदि साधन या कारक के लागत, यदि साधन या कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है तो इसे हम बाजार लागत कहते हैं, और इसी मूल्य पर कोई वस्तु फैक्ट्री को छोड़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इसी लागत पर अर्थात बाजार लागत पर, बाजार लागत पर, बाजार लागत पर कोई वस्तु, कोई वस्तु फैक्ट्री को छोड़ती है, फैक्ट्री को छोड़ती है, इसी मूल्य पर, मूल्य नहीं दोस्तों लागत, बाजार लागत पर कोई वस्तु फैक्ट्री को छोड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि बाजार लागत बराबर होता है साधन या कारक लागत, साधन या कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, तथा दोस्तों होता है अप्रत्यक्ष कर। साधन या कारक लागत को दोस्तों कहा जाता है, इसे दोस्तों, इसे फैक्ट्री मूल्य भी कहते हैं, इसे फैक्ट्री मूल्य भी कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बाजार लागत को कहा जाता है, इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य कहते हैं, इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य कहते हैं। अर्थात जिस मूल्य पर यह फैक्ट्री को छोड़ता है दोस्तों, इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन भारत में साधन या कारक लागत की अवधारणा है, अर्थात भारत में जो राष्ट्रीय आय या जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों, इसकी गणना की जाती है साधन या कारक लागत पर। अर्थात भारत में सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों साधन या कारक लागत पर। इसीलिए भारत में साधन या कारक लागत पर जो राष्ट्रीय आय निकलता है उसमें बाद में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ने की अवधारणा भारत में है। भारत में साधन या कारक लागत से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष करों को बाद में जोड़ा जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों मूल्य। मूल्य जैसा कि हमने जाना कि लागत में यदि उत्पादनकर्ता के लाभ तथा अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों आपका मूल्य। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाजार लागत में अगर आपने अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया है तो फिर मूल्य में आप फिर से अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूल्य। मूल्य का मतलब क्या होता है? यदि लागत में उत्पादनकर्ता के लाभ, यदि उत्पादन में यदि लागत में उत्पादनकर्ता के लाभ तथा अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाए तो इसे मूल्य कहते हैं। मूल्य दो प्रकार का होता है। जो मूल्य या प्राइस होता है दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है चालू, पहला होता है दोस्तों चालू मूल्य, पहला होता है दोस्तों चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य, पहला होता है दोस्तों चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य, जबकि दूसरा होता है दोस्तों स्थिर मूल्य या स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य, आधार वर्ष मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य का मतलब होता है दोस्तों, यदि आपको सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य के आधार पर करना है तो आपको दोस्तों, मान लीजिए आपको राष्ट्रीय आय की गणना करना है, मान लीजिए आपको राष्ट्रीय आय की गणना करना है वर्ष 2020-21 का, तो आपको रेफरेंस लेना है दोस्तों बाजार मूल्य, इसे हम कह सकते हैं दोस्तों या बाजार मूल्य के आधार पर। तो यहां पर दोस्तों आपको करेंट वर्ष को लेना पड़ेगा, अर्थात इसके लिए करेंट वर्ष होगा दोस्तों वर्ष 2019-20। तो इस आधार पर आप राष्ट्रीय आय की
का आकलन करेंगे। लेकिन दोस्तों स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य का मतलब होता है यदि आपको राष्ट्रीय आय का गणना करना है दोस्तों, मान लीजिए वर्ष 2020-21 के लिए, तो आपको बेस पॉइंट लेना होगा दोस्तों आधार वर्ष का, आधार 2011-12 को। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय निकलेगा दोस्तों इसे हम कहेंगे स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य पर राष्ट्रीय आय, और इसे कहेंगे दोस्तों चालू मूल्य, वर्तमान मूल्य या बाजार मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय। तो यह कहलाता है दोस्तों मूल्य। भारत में स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में स्थिर मूल्य या आधार वर्ष मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यह दोस्तों मुद्रा स्फीति से पूर्णतः मुक्त होता है, जबकि इसमें मुद्रा स्फीति का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह इसमें मुद्रा स्फीति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं यदि चालू मूल्य, यदि हमने चालू मूल्य पर राष्ट्रीय नेशनल इनकम निकाला है दोस्तों, तो यहां पर चालू मूल्य पर नेशनल इनकम बराबर होगा स्थिर मूल्य पर नेशनल इनकम प्लस मुद्रा स्फीति। इसलिए इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों मुद्रा स्फीति, अर्थात आपको मुद्रा स्फीति अगर स्थिर मूल्य पे आप जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा दोस्तों चालू मूल्य पर नेशनल इनकम।